नहीं चाहती थी, एक मिनट। ये कैसे हो रहा है? कौन सा लड्डू खिलाया श्रेया को? इतना जोर कहाँ से आया इसमें? अरे मुझे तो लगता है इसमें माता आ गई। किस 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 चलो इसमें बोलो। वैभव हाँ? जा अपने भाई बहन को मदद कर। अरे वैभव हाँ हाँ पीछे बहु श्रेया जी पहले तो ज्यादा ताकत लगाई ही नहीं है, ये हो कैसे रहा है? ये मैं क्या देख रही हूँ? किधर गया वो? अरे अरे आ रहे ना हम। भैया मामा जी। ए तुझे मैं अम्मा दिखती हूँ क्या? अपने आंखों का इलाज करवा। रुक पहले मुझे बता, इधर वो वैन खड़ी रहती थी ना, वो चूरन और वो आयुर्वेदिक दवाई देता था, वो वैन कहाँ गई? आज नहीं खड़ी है? हाँ। उसको तो पुलिस ले गई पकड़ के। पुलिस? हाँ। पता नहीं कौन से जंगल के जड़ी बूटी गोली बनाकर सबको गोली देता है। अरे जो भी इसको गोली खाता है ना, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है, तभी तो उसे पुलिस ले गई पकड़ के। अब क्या दिमागी डॉक्टर का नंबर दूं? ए, चुप भाग यहां से, उस डॉक्टर से इलाज करवा अपना। जा रहा हूं ना। पागल कहीं भैंस पानी में। कविता तेरा दिमाग तो वैसे भी खराब था, अब इसकी गड़बड़ वाली दवाई खा ली तो टोटली आउट हो गया दिमाग। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ कर। ए अंधी है क्या, दिखाई नहीं दे रहा? अरे कविता तू बैठ जाना। हाँ बंसी काका की चक्की के बगल में रहने वाली मेघना। मेघना कैसी है तू? मैं एकदम ठीक हूँ, इतने सालों बाद। और सुना वो तेरी बहन सविता कैसी है? वैसी है, ड्रामा क्वीन, रोज नए ड्रामे करते जा रही है। अरे लेकिन तुझे क्या हुआ है, तू कहाँ भटक रही है परेशान सी? पिछले कुछ दिनों से ना मेरे साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हो नहीं सकता, पर मुझे दिखता है। दिमाग घूम गया है मेरा सच। अरे तो वो तू सिद्धेश्वर गुरु जी के पास क्यों नहीं चली जाती है? सिद्धेश्वर गुरु जी याद है तुझे, बचपन में हम उसके पास जाया करते सत्संग में। अरे हाँ तू परम ज्ञानी है। हाँ परम ज्ञानी है वो, परम समाधानी, हर चीज का समाधान है उनके पास। थैंक यू तूने मुझे कह दिया, थैंक यू। तू मेरी सही सहेली है। चल थैंक यू, फिर मिलते हैं। चल, बाय। कविता यही तेरी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं, तेरे दिमाग को ठिकाने ला सकते हैं। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी रसोई फिर से एक हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, अन्नपूर्णा का बंटवारा नहीं हुआ। श्रेया ला 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 ला।
ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आप नहीं होती तो मैं कभी जीत नहीं पाती। अब बस मेरे बच्चों के बीच का झगड़ा जल्दी ही खत्म हो जाए और वो खुद इस घर के बीच की लकीरें मिटा दे। आपके आने से पहले मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मम्मी, किससे बात कर रही हैं आप? नहीं तो किसी से नहीं। नहीं मम्मी, आज आप नहीं छुपाएंगे। कई बार देखा है अब इधर देख के हाथ जोड़ती है और कुछ बात करती है। क्या छुपा रही है? आज आपको सच बताना होगा। बारबी डॉल ने अकेले ही सविता के तीनों बच्चों को झाड़ से पछाड़ दिया। ये बारबी डॉल अचानक मैरीकॉम कैसे बन गई? हुँ? अरे वे बर्बाद दामाद, दामाद जी आइए ना, आइए यहाँ आइए। हाँ आइए आइए। क्या बड़ी सास माँ? जरा ये पकड़िए। ये? हाँ पकड़िए 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 उधर 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 जी। गो, गो, चलो खींचो, चलो 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 खींचो। बड़ी सासू माँ, आप मेरे साथ रस्सा कसी करेंगी? आपको क्या लगता है दामाद जी, औरतों की शक्ति को कम मत समझो। हो जाए कंपटीशन। हो जाए। 3, 2, 1 गो। बस ये शुरू से कैसे हो गया? मुझसे तो हो ही नहीं रहा। ए जी, आपकी तो हालत पतली होती जा रही है। मैं जीत गई। ये अच्छी थिंग है। जो जीता हुआ ही सिकंदर, दूसरा तो बंदर। इसलिए जिसे आप कंपेयर कर रही हैं, वो कहाँ आप कहाँ, उनके जैसा तो आप 7 जन्मों तक नहीं बन पाएंगे। शी इज स्पेशल। ही स्पेशल। सच में तो स्पेशल नहीं वो बारबी डॉल। पिछले कुछ दिनों में उसकी हरकतें देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। कविता, पता कर कि बारबी डॉल अचानक मैरीकॉम कैसे बन गई? उसके अंदर इतना सुपर पावर कहां से आ गया? पता तो करना होगा। हेलो, हाँ कविता तोशनी वाली स्पीकिंग। हु यू? अच्छा गुरुजी आ चुके रतलाम में? जी 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 जी। जय गुरुदेव। आज तो आपको सच बताना ही होगा। बताइए आप क्या बात करती है इधर हाथ जोड़ के? अरे कुछ नहीं बेटा, तो मेरे जैसे भक्तों को जानती है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मैं तो बस लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी। मम्मी आप कुछ तो छुपा रही हैं। इतनी अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। वो रसा कशी में जीतना उन तीनों से और अचानक से समुद्र मंथन वाली बातें करना, मम्मी कैसे पॉसिबल है? इतना मत सोच। नहीं मम्मी, मुझे पता है आपको पता है, आप बस मुझे बता नहीं रही है। मेरे साथ ये अजीब चीजें क्यों हो रही है? क्या करूं, बता दूं क्या श्रेया को? भी बता भी दीजिए,
सोच सोच के मेरा सिर चकरा रहा है। प्रेगनेंसी के बाद ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? श्रेया, मैं अगर तुझे बताऊंगी भी ना तो तू मुझ पे यकीन नहीं करेगी। मियां बोल भी दीजिए। दरअसल तेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे साथ एक दैवी शक्ति है। मतलब तेरे साथ लक्ष्मी माँ है। मतलब तेरे अंदर लक्ष्मी माँ का अंश पल रहा है। इस घर में माँ का अवतार जन्म लेने वाला है। मेरी क्यूट परम लक्ष्मी भक्त मम्मी अब हर चीज को लक्ष्मी माँ से जोड़ देती है ना। मतलब तेरे अंदर लक्ष्मी माँ का अवतार। मम्मी हम कौन से युग में जी रहे हैं? ये 2022 है, इस युग में अवतार जन्म नहीं लेते। मम्मी मुझे पता है आप लक्ष्मी माँ की बड़ी भक्त है, आपको वो दिखती भी होंगी। तेरे अंदर लक्ष्मी माँ का अवतार? मम्मी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, वो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, तो बस इसलिए। अच्छा फिर ठीक है ना, मुझे लग रहा था कि क्या बोल रही हैं आप। इसके बारे में ज्यादा मत सोच। हाँ हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। और मैं रसा कसी भी इसीलिए जीती क्योंकि उन्होंने दम लगाया ही नहीं, बस खींचने का नाटक कर रहे थे। क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि आप जीत जाए, इसलिए मुझे जीतने दिया। वैसा ही हुआ। मैं भी ना बेकार में टेंशन ले रही थी। अच्छा मम्मी मैं फ्रेश हो गया था। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ बोलो। सविता माँ, आज श्रेया के सामने मुझसे ये बात निकल गई कि उसकी कोख में स्वयं आपका अंश पल रहा है। उसने मेरी बात का विश्वास तो नहीं किया, उल्टा मुझ पे हंस पड़ी। फिर मैंने भी बात को घुमा दिया। पर माँ, मुझे ये बात श्रेया को बतानी नहीं चाहिए थी, उसका जानना भी तो जरूरी है ना। नहीं सविता, मेरा अवतार इस घर में जन्म लेने वाला है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही श्रेया को और ना ही किसी और को। माँ आपकी आज्ञा सर आंखों पर उसे क्यों नहीं बताना चाहिए? इसका उत्तर तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा सविता, किंतु अभी नहीं। तुम अपनी लक्ष्मी माँ पर भरोसा रखो, किसी कारणवश ही मना कर रही हो, इसलिए अभी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम केवल उसका ही पालन करो। पर माँ। नहीं सविता, हट मत करो। जो तुम चाह रही हो वह नियति के साथ खेलना होगा, इसलिए प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर तुम इसके पीछे का कारण अवश्य जान जाओगी। मेरी नादानी के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आप तो सर्वज्ञानी हैं, जगत जननी हैं। मैं कैसे भूल गई कि आपको तो सबका भविष्य पता है, मुझे तो आपको प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं है सविता, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि इस समय तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ है। जाओ और उनके साथ अच्छे क्षण व्यतीत करो, अपनी जीत की खुशियां मनाओ।
मम्मी आप चाय पियेंगी? तू बना रही है? हाँ पियूंगी। हाँ मैं जरा चा... वाओ ब्यूटीफुल यार, क्या बात है माया, वेरी नाइस। माया काम करे, अपने बुटीक के पहले कलेक्शन में इसको शोकेस करते हैं। कैसे बनेगा कलेक्शन? कब तक ऐसे हाथ से काम करती रहूंगी मैं रोहित? बुटीक के लिए ना मशीन्स चाहिए, स्टाफ भी लगेगा। इतनी सारी मशीन्स, स्टाफ, कैसे करोगे तुम ये सब? माया हो जाएगा, मैं हूं ना, कर लूंगा। फिलहाल मैं बहुत थका हुआ हूँ, एक चाय पी करा दो। मम्मी चाय बनी क्या? अदिति बना तो रही है चाय, उसे बोल देती हूँ। अदिति बेटा। हाँ जी। तू चाय बना ही रही, तू सबकी बना दे। नहीं मम्मी मैं वो। क्यों, तुझे अदिति की चाय पसंद थी ना? शर्त जीत गई हूँ मैं, रसोई तो एक ही रहेगी, सबका खाना एक साथ बनेगा, अपने अपने कमरों में नहीं, सब यहाँ एक साथ बैठ के मिलके खाएंगे। मम्मी आप ऐसे तो फोर्स नहीं कर सकते ना एक दूसरे के साथ खाने के लिए। क्यों, मुझे हराने के लिए तो तीनों एक साथ आए थे ना, एक टीम की तरह, तो अब खाना एक साथ नहीं खा सकते? देखो तुमको मानना है या नहीं, तुम अलग रहते हो ठीक है, लेकिन किचन में तो मेरे ही नियम चलेंगे, सबको साथ में ही खाना खाना होगा, वरना क्या भूखा रखोगे आप हमें? वाह मम्मी वाह, बचपन में हम जब खाना नहीं खाते थे तो पूरे घर में हमारे पीछे घूमती थी प्लेट लेकर और खाना खिलाकर रहती थी, और आज मम्मी आप ना एकदम बदल गए। हाँ मैं बदल गई हूँ, तुम लोगों ने ही मुझे जिद्दी बना दिया। अब सोच लो, भूखे पेट काम पे जाना है या रोहित के पसंद के ये प्याज के पकोड़े, ये वैभव के पसंद के आलू के, और ये मेरी तीखी गुड़िया के मिर्ची वाले पकोड़े। मम्मी आप भी ना मनवा ही लेती हूँ, मैं तो रह नहीं पा रहा, मैं तो खा रहा हूँ। हाँ मम्मी मैं भी खाता हूँ। मम्मी जल्दी से कैसे तो मैं क्यों छोड़ दूँ? जीना तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज भाई बहन की तिकड़ी साथ में बैठ के खा रही है। ओहो तीनों एक साथ, वाह अच्छा है। गरम गरम पकौड़े। ए दीदी कौन है? दे दीदी नहीं ठीक हो? हाँ जाइए, मैं अभी फायर ब्रिगेड बुलाता हूँ। मम्मी मुझे लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ काम पे। अरे मैं भी लेट हो गया। मम्मी बड़े बहुत अच्छे बने थे, बताई जी मजा आ गया। मम्मी मैं भी जा रही हूँ, बाय। दीदी आप ठीक हो? ठीक हो आप? बच गए। तीखी थी मिर्ची, तभी मना कर रही थी कि मत खाइए। सॉरी। दीदी आपको कुछ बात करनी थी मुझसे। अरे हाँ, ये वो सिद्धेश्वर जी याद है? हाँ उन्हें कौन भूल सकता है, बड़े ज्ञानी और सिद्ध गुरुजी है, सामने वाले को देखते ही उसकी परेशानी बता देते। अरे वो यहाँ आए हैं रतलाम में, मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। बहुत अच्छा किया। ओ सिद्धेश्वर गुरुजी से तो कुछ नहीं छिप सकता, उन्हें अगर आभास हो गया कि श्रेया में लक्ष्मी जी का अंश है तो बात बाहर आ सकती है। ऐसा नहीं होने दे सकती मैं, मुझे श्रेया को उनसे दूर रखना होगा। शुभ मंगल हो सुबह से शाम।
से हर पल में हो शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम।